गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग का एक नया ट्रिप शुरू हो रहा है। हम लोग दिल्ली से जा रहे हैं पटना। अभी सुबह के हो रहे हैं 6:34 और हम लोग निकल चुके हैं। थोड़ा जल्दी निकलना था बट यू नो जब लॉन्ग ट्रिप प्लान होती है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो कोई नहीं, अभी सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं और मैंने कल ही गाड़ी फुल करा दी थी। देखते हैं कि अभी इस बार सबसे लंबी जर्नी पे जा रहे हैं कितना गाड़ी माइलेज देता है। तो टैंक फुल करा रखी है अभी और हमने ऑडोमीटर भी फिर से रीसेट कर दिया है। तो गाइस आज सबसे बड़ा ट्रिप होने वाला है इस गाड़ी से। तो आई थिंक अराउंड हम लोग दिल्ली से पटना 1050 किलोमीटर होगा। तो देखते हैं कितना गाड़ी माइलेज देती है, क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि इस लंबे ट्रिप पे ही पता चलेगा नेक्स्ट वन का क्या मज़ा है। तो आप देखते रहो वीडियो को, सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं आपको रास्ते में, तो लेट्स गो। तो टोटल टाइम जो दिखा रहा है दिल्ली से पटना का अभी 15 आवर 8 मिनट। एक्चुअल में देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है। कम से कम हमें 16 से 17 घंटे लगने वाले हैं आज दिल्ली से पटना पहुंचने में। तो गाइस हम लोग अभी DND क्रॉस कर रहे हैं, अब हम लोग नोएडा पहुंचने वाले हैं और टाइम हो रहा है 7:30। बज रहे हैं सुबह के, हम लोग आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे और देखते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे क्रॉस करने में हमें कितना समय लगता है। तो मेरे ख्याल से 10 बजे तक हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाएंगे। तो गाइस हम लोग अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पे कार की जो लिमिट है, स्पीड लिमिट 100 की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 के स्पीड के आसपास ही रहें, इससे ज़्यादा स्पीड ना चलाएं क्योंकि ये सेफ नहीं है। तो अब तक का सफ़र अच्छा रहा। पहला टोल टैक्स आने वाला है जेवर का और देखते हैं यहाँ पे कितना डिडक्ट होता है हमारे टैग से। तो कल ही मैंने अपने टैग में 2000 रुपये डाल दिए हैं ताकि पूरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा मेरे को पता है कि अराउंड 1700 के आसपास पूरा टोल टैक्स लगेगा दिल्ली से पटना के लिए। तो काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं, गाड़ियों की देखो ऑटोमेटिक टैग लगे होने के बावजूद यह हाल है। तो गाइस हम लोग जेवर टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:24। काफ़ी रश है यहाँ पे, सीधा ट्रैफिक, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अभी टोटल गाड़ी चल चुकी है 102 किलोमीटर और जो माइलेज निकल के आ रहा है वो है 20.1 का। अब देखो तो रोड ट्रिप का जो बोलते हैं ना रियल मज़ा, तो वो आज मिलने वाला है। इसलिए बोलता हूँ गाइज, जो चीज़ सोचते हो, जो चीज़ चाहते हो ना, उसको तो विश्वास में लाओ और जो चीज़ आप चाहते हो वो ज़रूर मिलेगी। बहुत सालों से हम सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि एक बार रोड ट्रिप करेंगे और देखो आज रोड ट्रिप कर रहे हैं। तो जो भी हम मन में या दिल में सोचते हैं ना वो हमें ज़रूर मिलती है। ये पहला टोल टैक्स है जो कि जेवर में है और कितना लगने वाला है यहाँ पे, पता तो है नहीं। हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे के सेकेंड टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं जो कि है मथुरा का और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आगे की ओर जाएंगे। टोटल गाड़ी 161 किलोमीटर चल चुकी है दिल्ली से, एवरेज जो निकल के आ रहा है वो 20.7 का और आगे देखते हैं कि माइलेज कमती है बढ़ती है। गाड़ी AC में चल रही है, CT मोड में चल रही है और हम जो एवरेज स्पीड मेंटेन कर रहे हैं वो 9500 का। तो चलो आगे फिर मिलते हैं और यहाँ पे भी थोड़ी ट्रैफिक है, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे हमें इस टोल को क्रॉस करने में। तो गाइस आगरा टोल प्लाजा पे हम लोग पहुँच गए हैं और ये तीसरा टोल है। टाइम हो रहा है अभी 10:43। हम लोग का थोड़ा सा टाइम लग गया ब्रेकफास्ट करने में और हम अभी पहुँच गए हैं आगरा टोल
प्लाजा पे हमें 23 किलोमीटर आगे से लेफ्ट लेना है। क्या हो गया? तो हम लोग निकल गए अभी आगरा टोल प्लाजा से और लखनऊ के लिए सीधा रास्ता है। अरे यार मैंने मोबाइल क्यों रख दिया इधर, शिट। तो अभी हम लोग आगरा पहुंचने वाले हैं, एक टाइम हो रहे हैं 11 और यहां से लेफ्ट चला जाता है कानपुर की ओर। तो हमें लेना है लखनऊ एक्सप्रेस वे जो कि यहां से 7 किलोमीटर आगे 7 किलोमीटर जा करके हम लोग लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। देखते हैं कि लखनऊ पहुंचने में हमें कितना समय लगता है। टोटल गाड़ी चला चुके हैं 236 किलोमीटर, माइलेज जो निकल के आई है गाड़ी की वो है 20.7। यार लखनऊ एक्सप्रेस के बारे में बहुत सुना है, लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में, देखते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे कैसा है। तो अपना जो एक्सपीरियंस है ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो गाइस इस टोल टैक्स पे जो कि आगरा इंटर करने वक्त में टोल टैक्स है, बहुत टाइम लगता है यहाँ पे। 10 मिनट हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कितना टाइम लगेगा। तो जा रही है मैडम चिंगम लाने के लिए। हम लोग आगरा का टोल क्रॉस किए हैं, आगरा टोल टैक्स पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यहाँ पे कुछ दुकान है, गौर से देखिए इस लड़की को, पूरा मजा कर रही है यहाँ से वहाँ तक। एग्जैक्ट 11:15 पे हम लोग लखनऊ एक्सप्रेस वे पे इंटर कर रहे हैं, देश के सबसे लंबे आखरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। आखरा क्यों बोल रहे हैं, आगरा बोल रहे। देखो कितनी सुंदर है, वाओ इट्स नाइस। ऐसे ही हाईवे, ऐसे बहुत सारे हाईवे की जरूरत है हमारे देश में। क्या डेकोरेशन किया हुआ है देखिए, रात में ये लाइट्स जलती है ना यार, बहुत सुंदर लगता है। तो हम लोग अभी लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़े हैं, पिछले 1.5-2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। यहाँ का जो टोल प्लाजा है उसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत स्लो गाड़ियाँ निकल रही है। आप देख लो पिछले 2 किलोमीटर से हम लोग रेंग के आ रहे हैं। 10:15 में मैंने बोला, शायद 11:15 में मैंने बोला था कि एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए और अभी टाइम कितना हो रहा है 12:47, यानी कि 11:15 से 12:47 तक हम लोग मात्र 2 किलोमीटर तक आए हैं। तो गाइस बहुत बहुत क्या बोलूँ यार, वर्ड्स नहीं है मेरे पास और कुछ मैं निगेटिव बोलना नहीं चाहता। फाइनली हम लोग निकल गए हैं, पिछले 2 घंटे से जाम में थे और टोल बूथ अभी क्रॉस किया है लखनऊ एक्सप्रेस वे का, अब जा कर के फ्री हुए हैं। पिछले 11:15 में हमने लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जस्ट इंटर किया था, अभी 12:47 हो रहा है, आप जा कर के टोल टैक्स से बाहर निकले हैं। तो सोच लो क्या जैम होता है। तो जब भी आओ तो यहाँ पे यार देख लो क्या टोल का यहाँ कंडीशन है। आई डोंट नो फर्स्ट टाइम ऐसा है या फिर ऐसा होता रहता है यहाँ पे, तो इट्स वेरी बैड, नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। चलते हैं आगे, चलो। वाले हैं और ये है सेकेंड टॉल। फर्स्ट टॉल में जैसा मैंने बताया था बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था और ये दूसरा टॉल है जिसको अभी लखनऊ एक्सप्रेसवे पे क्रॉस करेंगे। भाई थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम लोग आज, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना लेट हो जाएगा। 4:20 होने को आई और हम लोग अभी लखनऊ भी नहीं पहुँचे हैं, बस यहाँ से 10-15 किलोमीटर और है लखनऊ। और सबसे बड़ी बात इतना ट्रैफिक है, मतलब इतने सारे लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं कि जितने भी फूड प्लाजा हैं, मतलब लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 2 ही फूड प्लाजा मिले हैं, दोनों में इतना ज़्यादा रश था कि हम लोग वहाँ पे कुछ खा नहीं पाए। और
सिमिलर आगरा वाले एक्सप्रेस वे भी यही हाल था। तो बस ऐसे ही बिस्किट एंड चिप्स से काम चल रहा है। अभी लखनऊ पहुँचेंगे, वहाँ पर चल करके डिनर बोल लो या लंच बोल लो वो करेंगे, उसके बाद आगे का प्लान करेंगे कि आगे कहाँ तक आज जाएंगे। पटना आज पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते हैं वो आगे चल कर प्लान करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर चांस है कि हम लोग रास्ते में खोल लेंगे आज, अगर रोड सही रहा सब कुछ अच्छा लगा आगे, अगर कोई ज़्यादा डिले नहीं हुआ लखनऊ में तो फिर पटना भी जा सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, मैं आगे चल कर के बताता हूँ आपको। पेट्रोल भी ख़त्म होने को आई है और गाड़ी का माइलेज का बता दूँ तो 17.8 का भी माइलेज शो कर रहा है। तो अभी लखनऊ में चल कर के फिर से पेट्रोल डलवाएंगे इसमें और देखते हैं आगे फर्दर कितना माइलेज दे रहा है। तो देखते रहोगे इस वीडियो को, मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको आगे दूँगा। हम लोग अभी लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है उससे बाहर निकलने वाले हैं और मेन लखनऊ में एंटर करने वाले हैं। तो अभी बस 2 किलोमीटर के बाद आगे वहाँ पे आप देखो वहाँ से हम लोग अभी एग्जिट करेंगे, लखनऊ अंदर जाएंगे, फिर वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। तो समय बता दूँ 4:30 अभी हो रहा है। टोटल गाड़ी हमने 556 किलोमीटर यानी 556 किलोमीटर चला रखी है। गाड़ी का एवरेज निकल के आया 17.8। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने एक्सप्रेसवे पे 100 एंड 120 चलाया है, 100 से 120, 125। तो आई थिंक माइलेज नॉट बैड, बट आगे देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कैसा रहता है, कैसा रोड है, टेम्परेचर एंड वेदर लैंडिंग। अरे लखनऊ जाना है कितना, गलत तो नहीं आ गया भाई? मोहनदास कांचू गॉड If you go to want to go to Lucknow, we have to take the left turn. Where are you taking Mohan? Oh my God! This map is telling you, or you are taking your own turn. अरे मैंने गलत ले लिया. गलत ले लिया. नीचे से रास्ता था. This is too crazy now. पता नहीं होता तो ये दिक्कत होता है. अरे where देखो. गलत लिया तो कुछ तो भुगतना पड़ेगा। कितना बड़ा है राउंड? See how you have to take the round, Mohan round. अरे इतना मैप छोटा है ना, पता नहीं चलता इसमें। मैं इसको चेंज ही करवा दूंगा। मैंने को उस रोड में जाना है, नीचे से निकलना है। You can take from here, ना? Yes. इस टाइम हो गया है 6 PM और हम लोग अभी लखनऊ में हैं। अभी लखनऊ से टर्न लेकर के जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उसको पकड़ने वाले हैं और सामने जा रही है लखनऊ की मेट्रो। तो अभी हम नवाबगंज पंछी बिहार की तरफ जाएंगे और उधर से पकड़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं यार। अब तक गाड़ी चल चुकी है 569 किलोमीटर, एवरेज 17.2। मैंने दूसरी बार पेट्रोल भरा है लखनऊ में 3800 का। आई होप कि इतने पेट्रोल में बिहार पहुंच जाऊंगा। और जो अभी मेरे को टाइम दिखा रहा है कि मैं 2:30, 2:40 तक पहुंचूंगा पटना। देखते हैं गाइस आज पटना जाते भी हैं या फिर रास्ते में ही कहीं पे हॉल्ट लेते हैं। तो हम लोग डिसाइड करेंगे आफ्टर क्रॉसिंग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो चलते हैं आगे, बात करूंगा रास्ते में। तो गाइस 7:70 हो रहे हैं और हम लोग अभी पूर्वांचल हाईवे पे जस्ट इन किए हैं। तो गाइस काफ़ी लेट हो गया, लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। तो अभी देखते हैं कि पूर्वांचल हाईवे से मतलब मऊ तक कितना टाइम लगता है, क्योंकि पूर्वांचल हाईवे मऊ तक है। आई होप कि 2 से 3 घंटे में मऊ पहुँच जाए। तो आगे चलते हैं, आगे कहीं रुक करके आपसे बात करता हूँ। गाइज ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स, बिल्कुल खाली। ऐसे ही होना चाहिए टोल टैक्स, बिल्कुल खाली। भाई
सा फास्ट है, देखो देखो स्मार्ट चॉइस। तो गाइज अभी हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हैं, आजमगढ़ के आसपास होंगे, रात के 10 बजने वाले हैं और अभी तक हमने गाड़ी चला ली है 835 किलोमीटर, एवरेज निकल के आ रही है 17.2 की और अभी पटना पहुंचने में 4 घंटे का और समय दिखा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही पटना पहुंच जाए, बाकी का देखते हैं क्या होता है। रात को पूर्वांचल हाईवे कुछ ऐसा लगता है, सारी सुविधाएं हैं। पहले मेरे को जहां तक मैंने दूसरे के वीडियोस देखे थे उन लोगों ने बताया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं 100 किलोमीटर पे आपको हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे शौचालय है, तो सब कुछ है, सारी पब्लिक कन्वीनियंस, हर एक चीज़ की सुविधा जो एक एक्सप्रेसवे पे होनी चाहिए जगह जगह पे मेरे को देखने के लिए मिली है। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल पंप भी मेरे को दिखे हैं, तो अभी चलता हूँ आगे गाइस, जल्दी से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे क्रॉस करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का कैसा रहेगा व्यू। मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तो हम लोग गाजीपुर पहुंचने वाले हैं, गाजीपुर मऊ, गाजीपुर मऊ बक्सर वाराणसी। अरे किधर जाना है भाई, सीधे जाना है ना, ये वाराणसी जाने का रास्ता है इधर से बनारस। तो गाइस 11 बजने वाले हैं और हम लोग मऊ पहुंचने वाले हैं, अभी 11 बजने वाले हैं अभी रात के और मऊ पहुंचने वाले हैं। तो सुबह 6:30 बजे से मैं लगातार ड्राइव कर रहा हूं, नॉन स्टॉप, मतलब स्टॉपेज तो ली है। तो देखो यहां पे भी हाईवे पे शौचालय है। तो गाइस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मेरे को सब कुछ मिला है, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है, फूड पॉइंट है, शौचालय है, कोनो चिंता की बात नहीं है, आप आराम से आओ। तो गाइस ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एग्जिट, यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे एंड हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 11:40। लेकिन इतनी थकावट नहीं है कि मैं और नहीं चला सकता हूँ, अगर हल
आराम करने की ना बात रहे तो और भी चलाया जा सकता है इस गाड़ी को। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत मजा आया चला करके। हाईवे के लिए तो पूछो मत, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से। तो पहली बार हाईवे पे गाड़ी ड्राइव करके इतना एंजॉय किया हूँ। तो गाइस फाइनली पटना हम लोग पहुँच गए हैं, यानी कि मैं अपने घर के पास पहुँच गया हूँ। तो अभी हो रहे हैं टाइम 2:18, यानी 2:30 तक घर में पहुँच जाऊँगा। टोटल गाड़ी चल चुकी है 1100 किलोमीटर और सुबह 6:30 से लगातार मैं गाड़ी चला रहा हूँ। बीच में हमने दो तीन जगह ब्रेक लिया था, ट्रैफिक जाम में फंसे थे। और जो गाड़ी की जो टोटल एवरेज निकल के आई है 17 किलोमीटर/लीटर की, ये कम है क्योंकि गाड़ी हमने बहुत भगाई है। गाड़ी एवरेज स्पीड पे चलाई नहीं है, गाड़ी 120-125 की स्पीड से चली है हाईवे पे, क्योंकि इतना अच्छा हाईवे था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कि उस पर गाड़ी कम हो ही नहीं रही थी। तो गाइस चलते हैं, अब आराम करते हैं, काफ़ी थक चुका हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।